दुल्हन के आने के बाद के सारे जितने भी नियम होते हैं ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाले थे और दुल्हन थकी हारी सारे नियमों का पालन कर रही थी। और फाइनली मेरे हस्बैंड का भी एक नियम आया जिसमें उन्हें क्या करना था, एक कॉइन को दही के साथ लेके वॉल पे चिपकाना था और एक बार में इसे चिपका देना था, कुछ ऐसा था। सब तीनों जन मिल के इसको चिपकाएंगे, तो वही वाला नियम चल रहा था। उसके बाद देना था इनको नेक, मतलब मेरे हस्बैंड जो है नेक देंगे नई दुल्हन के लिए। तो अब सब कुछ डन हो गया था। अब दूल्हे दुल्हन का जो रूम है डेकोरेट हो रहा था और इस बुढ़ाओ को भी अब रोमांस आ रहा था क्योंकि आज था वैलेंटाइन डे। तो दूल्हे दुल्हन का जो रूम था वो अच्छे से डेकोरेट किया जा रहा था और मैं वीडियो शूट कर रही थी इधर साइड में आके, और हम लोग सब हंसी मजाक कर रहे थे। जो भी होता है शादी वाले घर में ये सब चीज़ों को देख के वो सारी मजाक भी चल रहे थे। और कितना अच्छा दिन था ना, जस्ट नाइट में वैलेंटाइन होने वाला था, दूल्हे की खुशी आप देख सकते और हम लोग सब मिलके छेड़ रहे थे उनको। अभी फैमिली मीटिंग चल रहा था, सारे लोग जितने भी थे सब बैठ के हंसी मजाक कर रहे थे, शादी में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे रहा, सब कुछ वो सब हो गया था। तो रूम कुछ इस तरह से लास्ट में डेकोरेट होके रेडी हुआ था, उसके बाद हो गया था नाइट, सब कोई सो गए थे अपने अपने जगह पे और जो बाकी लोग थे सोच रहे थे किधर सोना है। और क्योंकि एक रूम तो ऑक्यूपाइड हो गया था दूल्हे दुल्हन के लिए और यहाँ पे बाकी जो रूम था सब कुछ अब सबको उसके हिसाब से एडजस्ट करना था, तो कुछ ऊपर कुछ नीचे सब एडजस्ट कर रहे थे। फिर हो गई थी अगले दिन की सुबह, जो हम लोग में बोला जाता है चौठारी। तो ये चौठारी के दिन भी दूल्हे दुल्हन को वैसे ही रेडी होना रहता है और फिर से जो कोहवर होता है उसकी पूजा करनी होती है और सभी लोग फिर से आते हैं। तो दुल्हन फिर से रेडी हो गई थी और फिर उसके बाद फिर उसको कोहवर को पूजा किया जा रहा था, जिसके आर्ट का प्रदर्शन मैंने किया था। मैंने ये पूरा बनाया था 500 रुपए में, तो ठीक ठाक बना लिया था, मुझे तो आता नहीं है ये सब ड्राइंग पेंटिंग। और दूल्हा दुल्हन अभी सुबह सुबह नहावा के रेडी होके ये पूजा कर रहे थे। और कल लास्ट डे जो गेम हुआ था वही गेम फिर से खेला जाएगा, तो आज देखना था आज कौन जीतने वाला है। तो आज जो हमारी दुल्हन थी थोड़ा एनर्जेटिक लग रही थी और अच्छे से गेम पे ध्यान दे रही थी, अच्छे से खेल रही थी, तो ये चीज़ मुझे अच्छा लगा। कल शायद ज़्यादा थकी हुई थी इसीलिए ज़्यादा एफर्ट नहीं ले रही थी। तो आज का जो गेम था मुट्ठी में बांधने वाला, उसके बाद मुट्ठी में कौड़ी बांध के उसको खोलने वाला, इसमें दुल्हन जीत गई थी। वो कैसे देखिए, कल तो बिल्कुल दुल्हन ने बिल्कुल भी हाथ टाइट नहीं किया था, बिल्कुल लूज छोड़ा था, जिसे मेरे देवर जी ने बहुत ही आसानी से खोल दिया था। धीरे धीरे माहौल को समझते दुल्हन लोग क्या होता है ना, थोड़ा सा समझदार ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ पे मुट्ठी में बांधने वाला जो गेम है बस स्टार्ट होने वाला था और ये कौड़ी वाला गेम तो समझ में नहीं आता है, तो यहाँ पे सब लोग ने फिर से दूल्हे को ही जिता दिया था। ये वाला गेम हम लोगों ने ऐसे फुट्टूस कर दिया। और जब मुट्ठी खोलने वाला गेम हुआ तो आज दुल्हन ने अच्छे से मुट्ठी बंद किया था, जिसे मेरे देवर जी नहीं खोल पा रहे थे और बहुत कोशिश किया लेकिन वो नहीं खोल पाए। तो फाइनली आज मेरी देवरानी जो है जीत गई थी और देवर जी हार गए थे। तो ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज बराबर हो गया, इक्वल हो गया। फिर जो नंदे होती है फिर से पैर धोती है और उसके बाद फिर खिलाया जाता है। दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को बताशा और दही खिलाते हैं, बताशे के साथ दही का कॉम्बिनेशन अच्छा ही लगता होगा, मीठा है। तो दोनों एक बताशे में दोनों एक दूसरे को खिला रहे थे और उसके बाद साथ में दोनों बैठ गए थे और गीत हो रहा था, जो हमारे बिहारी में फेमस होता है कोई भी रिचुअल से पहले, तो गीत चल रहा था। और मैं कुछ इस तरह से रेडी हुई थी, येलो येलो, आज क्या था, कुछ तो था, सरस्वती पूजा था, तो आज सरस्वती पूजा के दिन सबने येलो पहना था तो मैंने भी पहना था। फिर उसके जस्ट एक दिन बाद था हुआ था पूजा, जिसमें हम लोग को कपल पूजा जिसे जोड़ा पूजा बोलते हैं वो हुआ था, तो उसके लिए मैंने ग्रीन साड़ी पहनी थी, कुछ इस तरह से रेडी हुई थी। और पूजा की तैयारी चल रही थी, सारे लोग आ गए थे, पूजा में बैठ गए थे। इसमें जोड़ा पूजा होता है, दूल्हा दुल्हन बैठते हैं और सत्यनारायण भगवान का टाइप का कथा होता है और इस तरह से पूजा होती है। तो ये फाइनल जोड़ा पूजा के साथ होता है कि शादी टोटली संपन्न हो गया और ये तोता मैना बन गए हैं, बस ऐसा ही कुछ होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।